और मेरे प्यारे भाई लोग, क्या हाल चाल है गाइस? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, फुल मस्ती करेंगे। एंड फाइनली गाइस एडवांस सर्वर मिल चुका है एंड इतनी ज्यादा खास चीजें हैं ना इसमें, मतलब बहुत सारी चीजें खास हैं। पहले तो आप लोग ये पेट देख लो, काफी ज्यादा ही शानदार वुल्फ पेट है जो कि आप लोग देख पा रहे हो गेम के अंदर। इसका नाम फंग है एंड इसकी एबिलिटी ये है गाइस कि अगर आपका कोई बंदा मतलब टीममेट डाउन होता है, ओके, अगर आपके पास ये पेट है एंड आपका कोई बंदा किसी एनिमी से डाउन होता है तो आपके पास अगर पूरा फुल एचपी है तो 30 ईपी मिल जाएगा एंड अगर एचपी कम है तो आपको 15 एचपी मिल जाएगा जब आप लोग मैक्स कर लोगे, ओके? तो यही कुछ पेट का सीन होने वाला है, बाकी काफी शानदार पेट है। बात करें कैरेक्टर की तो न्यू कैरेक्टर भी एक है जिसका नाम एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट यहाँ पर जो इसकी एबिलिटी का नाम है वो रवेल रस है। एंड ये है गाइस कि जब आप लोग इसे मैक्स कर दोगे तो देखो गाइस ये क्या करेगा कि जब आप लोग इसकी एबिलिटी को यूज करोगे तो एकदम रैपिड स्पीड में 0.5 सेकंड के लिए मतलब मूव करेगा, बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड में। एंड इसकी जो कूल डाउन टाइमिंग है वो लेवल 6 पे 30 सेकंड्स का है, ओके। एंड हाँ गाइज एक चीज और, जैसे आपने एक बार यूज किया एबिलिटी को फिर 5 सेकंड बाद दोबारा यूज कर पाओगे एंड इसकी जो कूल डाउन टाइमिंग है वो मैक्स करने पर 30 सेकंड है, ओके। तो ये अपना नया कैरेक्टर एक्टिव स्किल का। साथ ही साथ बात करें गाइज बहुत सारे मोड्स, जैसे कि जॉम्बी जिंसन जो कि आप लोगों ने खेल रखा है, क्वाइन क्लैश है, एंड उसके बाद क्लैश स्क्वाड के अंदर आप सभी को एक चीज और देखने को मिलेगा, आपको दिखाता हूँ। एंड सोशल आइलैंड भी है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट्रा मैप के अंदर क्लैश स्क्वाड एंड क्लैश स्क्वाड रैंक दोनों आ चुका है। सो ये रही आपकी क्लैश स्क्वाड जो कि नेक्स्ट्रा मैप के अंदर है, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। एंड हाँ गाइज सोशल आइलैंड वाला भी आपको सीन दिखाने वाला, काफी शानदार शानदार चीज है। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हो क्लैश स्क्वाड में सबसे पहले ये मेरे को कौन से जगह पे दिखाया है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा नाम है मेरे को अभी करेक्ट याद नहीं, गेस्ट टावर ऐसा ही कुछ दिख रहा है। बाकी आप लोग देख पा रहे हो काफी ज्यादा ही शानदार एंड आप लोग को क्लैश स्क्वाड खेलने में भी मजा आएगा, क्योंकि गाइस देखो आपको हमेशा से वही मिल रहा था भाई, परगेटरी वाला क्लैश स्क्वाड या फिर क्लैश स्क्वाड बरमूडा वाला, जो कि खेल खेल करके यार सच्ची बता रहा हूं थोड़े बोर टाइप के हो गए थे। बट अब आपको एक नेक्स्ट्रा मैप मिलने वाला है जिसके अंदर से काफी ज्यादा शानदार शानदार सी प्लेसेस देखने को मिलने वाली है एंड काफी नया एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको जिप लाइन वगैरह भी देखने को मिलेंगे जिस आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो, आपको अभी मैं दिखाने वाला हूं। बाकी आप लोग एक बारी देखो यार कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है, आपने अल्पाइन वगैरह भी खेल ही लिया होगा उससे भी आपका मन उठ गया होगा कि भाई क्या मतलब उतनी ज्यादा मजा नहीं आता, बट हाँ इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्लैश स्क्वाड रैंक के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा एंड फुल मैप के अंदर तो ऑलरेडी आई थिंक आ ही चुका है। एंड साथ ही साथ गाइस इसमें जो जिप लाइन है वो शायद मैंने आप सभी को दिखा दिया एंड ये रहा वो डेका स्क्वाड, ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा एंड डेका स्क्वाड के अंदर आपको कोई ना कोई राउंड के अंदर देखने को मिलेगा ही। साथ ही साथ हाँ वेट करना, आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ, आइलैंड सोशल आइलैंड करके एक नया चीज, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर देखो यार कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है यार, यहाँ पे अपना 3 राउंड निकल चुका है इजिली बिकॉज सामने वाला अपोनेंट का बंदा बॉट्स है, मतलब ऐसे ही खड़े रहते हैं तो इजिली वो एलिमिनेट वगैरह हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर देख पा रहे ये अपन लोग कहाँ पर आ चुके हैं, ग्रेविटी लैब आई थिंक है, नहीं गाइज आप लोग बताना, ये आई थिंक म्यूजियम है, मेरे को याद है अच्छे से, ये आई थिंक म्यूजियम है। एंड देख ही पा रहे हो काफी शानदार शानदार से जगह है, बाकी मैंने खुद से ही एक्सप्लोर उतना ज्यादा नहीं किया है, दैट्स वाई मेरे को उतनी अच्छे से याद नहीं है प्लेसेस के नाम। एंड इसी के साथ बुआ हो गया एंड अब चलते हैं सोशल आइलैंड के अंदर जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सोशल आइलैंड एंड इसके अंदर एक नई चीज ऐड करी गई है। देखो गाइज यहाँ से पहले मैं निकलता हूँ, यार इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, चलो हाँ निकल गया भाई, कतई यहाँ पर बाजार जैसा कर रखे थे, चलो यहाँ से मैं निकल गया। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो गाइज आपको एक फुटबॉल का ग्राउंड देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके अंदर घुसने की जगह मिलेगी, वे पॉइंट मिलेगी जहाँ से आप लोग इसके अंदर घुस सकते हो। सो यहाँ पर मैं आप सभी को घुस के दिखा देता हूँ, ओके इसी के अंदर आपको जाना है एंड उसके ऊपर एक फुटबॉल के जैसा निशान भी बना हुआ है आई थिंक आइकन वगैरह जैसे, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आया बट फिर बाहर चला गया। चलो हाँ इसके अंदर चल करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फाइनली इसके अंदर आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर एंड आप लोग देख पा रहे हो दोनों तरफ है एंड ये मेरे को लग रहा है ना कि अभी आधा अधूरा है बिकॉज इसके अंदर मैं आया, ओके। एंड देखना अभी मतलब इसके अंदर हो सकता है कि क्या पता हमें यहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेलने को मिल जाए, मतलब समझ सकते हो ना काफी ज्यादा कि इस ग्राउंड के अंदर फुटबॉल हो एंड सारे बंदे मार रहे हो एंड जिसका गोल वगैरह हो सकता है, बट अभी के लिए तो फिलहाल यहाँ पर एरो वगैरह आ रहे थे एंड मेरे को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि भाई आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे एंड करना क्या है।
एंड मैं ऐसे एक्सप्लोर करके आपको दिखा दिया ताकि आपको भी पता चले कि क्या कुछ नया आया है। बाकी मेरे को समझ में नहीं आया, अगर समझ में आ जाएगा तो एक और वीडियो या फिर कवर कर दूंगा कि आखिर है क्या ये, बाकी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना अगर और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो। तो चलो मिलते हैं।